हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम की। तो देखिए, फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम और एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज बात करते हैं सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम की। नाउ वी राइट सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो देखिए, सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम में क्या होता है कि ये सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम यूज करता है एक टेबल का, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर पैटर्न पी बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेक्स्ट टी। ठीक है, मतलब कि इसमें ये टेबल का इस्तेमाल होता है सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम में, जो वो टेबल बनाई जाती है एक पर्टिकुलर पैटर्न पी से, और लेकिन इंडिपेंडेंट होती है टेक्स्ट टी से। अब इसमें इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमने कहा कि लेट जो पैटर्न है पी हमारा वो है ए ए बी ए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पैटर्न मैचिंग टेबल बनाते हैं। तो सपोज कीजिए हमने कहा कि लेट टी जो है हमारा जो टेक्स्ट है जिसके अंदर ये पैटर्न ढूंढना है, टी बराबर क्या है हमारा, टी वन टी टू टी थ्री एंड सो ऑन। जहां पे टी वन क्या है, वेयर टी वन इज इक्वल टू डिनोट्स द आईएथ कैरेक्टर, डिनोट्स द आईएथ कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट टी। ठीक है, और इसमें फर्दर हम ये अज्यूम करते हैं कि लेट द फर्स्ट टू करेक्टर ऑफ टी मैच दोज ऑफ पी। वी अज्यूम दैट फर्स्ट टू करेक्टर, फर्स्ट टू करेक्टर्स ऑफ टी मैच फर्स्ट टू करेक्टर ऑफ पी, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ दैट इज कि टी इक्वल टू, देखिए पी कहाँ शुरू हो रहा है, ए ए से, तो टी जो होगा वो भी ए ए से स्टार्ट होगा, उसके आगे जो कुछ भी है। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि देन द टी हैज वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री फॉर्म। अब इसमें क्या होगा कि पॉसिबल फॉर्म्स जो आएंगे टी के, पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ टी वो क्या हो सकते हैं, मान लीजिए पहला हमने कहा टी इस तरह हो सकता है, टी इक्वल टू ए ए फिर बी एंड सो ऑन। सेकेंड फॉर्म ये हो सकती है कि टी इक्वल टू ए ए और फिर ए ही है और फिर एंड सो ऑन। और थर्ड फॉर्म ये हो सकती है कि टी इक्वल टू ए ए और कोई और करेक्टर हो एक्स, इस तरह से। तो ये तीन फॉर्म पॉसिबल है, जहाँ पे एक्स क्या है, वेयर एक्स इज एनी करेक्टर डिफरेंट फ्रॉम ए और बी। एक्स कोई भी और करेक्टर है जो ए और बी ना हो, उसके अलावा सी हो डी हो ई या कुछ भी हो सकता है। अब इसमें क्या होगा कि सपोज वी रीड टी थ्री एंड फाइंड दैट टी थ्री इक्वल टू बी। हमने क्या किया, लेट टी थ्री को हमने रीड किया और टी थ्री क्या है, बी है। फिर हमने क्या किया, टी फोर हम रीड करेंगे, टी फोर क्या है, टी फोर ए है, विच विल गिव ए मैच ऑफ पी विद डब्ल्यू वन। जब आप ये देखेंगे, आप ए ए के बाद बी ए है और पी क्या है, ए ए बी ए, तो यानी कि ये हमको पहली मैचिंग मिलेगी, यानी ये हमें डब्ल्यू वन मिल जाएगा। ठीक, ऑन द अदर हैंड अगर टी थी, ये तो पहला केस हो गया और हमको डब्ल्यू वन मिल जाएगा। ठीक, दूसरा केस क्या है कि अगर टी थ्री इक्वल टू ए है, देन वी नो दैट पी इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पी जो है आपका डब्ल्यू नहीं होगा इस केस में, बट वी ऑल्सो नो दैट डब्ल्यू टू इज इक्वल टू ए ए, हेंस दैट द फर्स्ट टू करेक्टर्स ऑफ द सबस्ट्रिंग डब्ल्यू टू मैच दोज ऑफ पी, हेंस वी नेक्स्ट रीड टी फोर टू सी इफ टी फोर इक्वल टू बी लास्ट। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए टी थ्री इज इक्वल टू ए हुआ, तो क्या होगा कि
ए, तो ये तो फिर इससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा, इससे ये रिजल्ट निकल के आएगा कि पी इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू। भाई अगर ए ए ये तो फिक्स है और तीसरा भी ए है, तो ये इससे मैच नहीं कर रहा है ना पी से, ए ए बी ए से, तो मैचिंग नहीं हो रही है, ये आ गया। लेकिन अगर टी फोर आपने पढ़ा और टी फोर क्या आ गया, टी फोर आपका बी आ गया, टी फोर जो है बी आ गया, मतलब ए ए ए बी ऐसे आ गया, ठीक है। तो क्या होगा कि इफ टी फोर इक्वल टू बी, ठीक है, तो बट वी ऑल्सो नो दैट डब्ल्यू टू इक्वल टू ए, देर द फर्स्ट टू करेक्टर ऑफ द सबस्ट्रिंग डब्ल्यू टू मैच दोज ऑफ पी, हेंस वी नेक्स्ट रीड टी फोर टू सी इफ टी फोर इक्वल टू बी, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा केस हो गया कि हम टी फोर, इसमें हम फिर टी फोर पढ़ेंगे कि टी फोर क्या है। और तीसरा केस क्या है, अगर टी थ्री एक्स है देन क्या रिजल्ट आएगा, पैटर्न इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू, बट वी ऑल्सो नो दैट पी इज नॉट, बट वी ऑल्सो नो दैट पी इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू टू एंड पी इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू थ्री, क्योंकि जब एक्स आ गया तो शुरुआत के लिए आपको ए ए चाहिए होगा, तो आपका डब्ल्यू टू और डब्ल्यू थ्री ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, सिंस एक्स डज नॉट अपियर इन पी, हेंस वी नेक्स्ट, तो इसमें भी क्या होगा, फिर नेक्स्ट हम टी फोर रीड करेंगे, ठीक है। और अगर हम देखेंगे कि अगर टी फोर ए है टू सी इफ द फर्स्ट करेक्टर ऑफ डब्ल्यू फोर मैचेज द फर्स्ट करेक्टर ऑफ पी, तो इस तरह से हम काम करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज निकल के ये आती है कि फर्स्ट व्हेन वी रीड टी थ्री वी नीड ओनली कंपेयर टी थ्री विद दोज करेक्टर्स विच अपियर इन पी, इफ नन ऑफ दीज मैच देन वी आर इन द लास्ट केस ऑफ ए करेक्टर एक्स विच डज नॉट अपियर इन पी, सेकेंड आफ्टर रीडिंग एंड चेकिंग टी थ्री वी नेक्स्ट रीड टी फोर, वी डू नॉट हैव टू गो बैक अगेन इन द टेक्स्ट टी। अब इसमें क्या, ये दो केस आएंगे इसके अंदर फाइनली निकल के, तो हम क्या कर देंगे, इसको हम टेबल से बना सकते हैं, एंड दिस टेबल कंटेन्स दैट इज यूज इन आवर सेकेंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम फॉर द पैटर्न पी इक्वल टू ए पी ए, तो पी इक्वल टू ए बी ए के लिए जब हम एक टेबल बनाएंगे पैटर्न मैचिंग टेबल, तो देखिए वो इस तरह बनेगी। जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा, पहले हम इसको बना देते हैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये क्या, अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसी को ये टेबुलर फॉर्म में दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मान लीजिए हमने लिखा क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, ठीक, यहाँ पे हमने लिखा ए बी और ये हो गया तीसरा केस एक्स। अब इसमें क्या होगा कि देखिए क्यू वन ये आएगा आपका क्यू वन क्यू जीरो क्यू जीरो, फिर ये हो गया इस हिसाब से क्यू टू क्यू जीरो क्यू जीरो, फिर इस हिसाब से ये हो जाएगा क्यू टू क्यू थ्री और तब फिर से क्यू जीरो, और लास्ट वाला जो आएगा आपका ये हो जाएगा पी, यहाँ हो जाएगा क्यू जीरो और यहाँ हो जाएगा क्यू जीरो। इस तरह से आपका ये पैटर्न मैचिंग टेबल, पैटर्न मैचिंग टेबल इस तरह से आपका रेडी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका कि, अच्छा इसका एक काम कीजिए आप, ये टेबल बनाया आपने, इसी टेबल से आप ग्राफ भी बना लीजिए। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे वो भी देखिए, मान लीजिए ये हमने बना दिया क्यू वन क्यू टू क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री, ठीक है, ये हो गया हमारा क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, ठीक। अब पहला देखिए क्यू जीरो पे अगर ए आप इनपुट देंगे तो क्यू वन आएगा, तो ये आपने बना दिया ए आपने दिया, ये आ गया, फिर अगर बी आप देंगे तो क्यू जीरो पे लौट आएंगे, तो इस पे आपने ये लूप बना दिया,
बी देंगे तो इसी पे लौट आएंगे, और एक्स अगर देंगे तो क्यू जीरो पे, ठीक है, क्यू जीरो पे आपने ए दिया, क्यू वन पे पहुंचे, क्यू जीरो पे आप बी दोगे, क्यू जीरो पे ही रह जाओगे, क्यू जीरो पे अगर आप एक्स दोगे, ठीक है, तो आप क्यू जीरो पे रह जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद आ जाइए क्यू वन पे, क्यू वन पे ए देंगे क्यू टू पे, क्यू वन पे आपने ए दिया, क्यू टू पे आ गए, क्यू वन पे बी दिया तो क्यू जीरो पे चले गए, क्यू वन पे आपने बी दिया तो क्यू जीरो पे, यानी ये हो गया आपका, ये हमने बी दे दिया, ठीक, ये हो गया क्यू वन। अब आप आ जाइए क्यू टू पे, क्यू टू पे आपने ए दिया तो क्यू टू पे ही रहेगा, क्यू टू पे आप ए देंगे, क्यू टू पे ही रह गए, फिर क्यू टू पे आप क्या करेंगे, बी देंगे तो क्यू थ्री पे, क्यू टू पे आपने बी दिया थ्रो क्यू थ्री पे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक और दिखाना पड़ेगा, जब आपको पैटर्न पूरा मिल जाएगा तो आप यहाँ दिखा सकते हैं पी। तो इससे क्या होगा कि जब आप क्यू थ्री ए ए बी और फिर ए चाहिए आपको, तो यहाँ पे जब आप ए देंगे तो आप पैटर्न पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब क्यू थ्री पे जब आप बी दे रहे हो, तो क्यू थ्री पे आप बी दे रहे हो तो कहाँ पहुंच रहे हैं, क्यू जीरो पे, तो क्यू थ्री पे आप बी दे के ऐसे बना दीजिए इसका ग्राफ, ये आपने बी दिया क्यू जीरो पे, तो इस तरह से आप इसका ग्राफ पैटर्न में, दिस इज कॉल्ड पैटर्न मैचिंग ग्राफ, इस तरह से आप पैटर्न मैचिंग टेबल और पैटर्न मैचिंग ग्राफ जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसको समझेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है, तो आप क्या कीजिए, अभी आप इसको यहाँ तक पैटर्न टेबल और पैटर्न मैचिंग ग्राफ कैसे बनाते हैं यहाँ तक आप इसको समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से पिक करेंगे कि इसको कैसे वर्किंग होती है इसमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा, अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।